जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आज हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम पढ़े हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर भी बेसिकली एक ब्लड ग्रुप सिस्टम की ही टाइप है, एक ब्लड ग्रुप सिस्टम ही है जिसमें हम ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करते हैं कि हम कहते हैं ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, तो हम इसमें डिवाइड करते हैं कि पॉजिटिव किन का होता है और नेगेटिव किन का होता है। सबसे पहले बता दूँ 1901 में क्या उसका नाम है, एक साइंटिस्ट थे कार्क लैंडस्टर्न्स ने, उसने डिस्कवर किया था। 1930 में उसे क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। 1901 में उसने क्या किया था कि एक मंकीज की एक नस्ल रेसिस मंकी है, इनकी एक नस्ल है जिसके अंदर उसने ये आरएच फैक्टर डिस्कवर किया था। आरएच फैक्टर को हम अल्फाबेटिकली अगर शो करें तो हम डी से शो करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आरएच फैक्टर क्या है, आरबीसीज की सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो वाले आरबीसीज जिनके सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कह देते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव यानी कि कैपिटल डी से हम उसे क्या करते हैं, शो करते हैं। और वो वाले आरबीसीज जिनके सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है, इसका मतलब उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, नेगेटिव। और इसको हम कैसे शो करते हैं, स्मॉल डी से शो करते हैं, यानी कि आरबीसीज की वो सरफेस जिनके ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे हम कह देते हैं पॉजिटिव, और वो वाली सरफेस जिसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो उसे हम क्या कह देते हैं, आरएच नेगेटिव, ठीक है। आरएच एंटीजन का मतलब है कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, आरएच एंटीजन एब्सेंट का मतलब है कि आरएच नेगेटिव होगा और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि हम कह देते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। तो ये जितने भी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप हैं, इसका मतलब कि जो जितने भी पॉजिटिव वाले इंडिविजुअल हैं इन सबके आरबीसीज के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच का फैक्टर प्रेजेंट है तो इनको ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव। और जितने भी नेगेटिव वाले हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है इनके सर्फेस के ऊपर, इसी वजह से इनके ऊपर इनका ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच नेगेटिव है। अब जिस तरह हमने लास्ट ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम में डिस्कवर किया था कि ए ब्लड ग्रुप सिर्फ ए वालों को लग सकता है, ए बी को लग सकता है या बी किसको लग सकता है, इसी तरह अगर हम आरएच फैक्टर की ट्रांसफ्यूजन की बात करें, आरएच फैक्टर की ट्रांसफ्यूजन के इनके क्या ट्रांसफ्यूजन है, तो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है और दूसरा क्या है, आरएच पॉजिटिव, ठीक है। अब ट्रांसफ्यूजन की बात करें, लेट्स सपोज कि ये डोनर है और वो रिसिपिएंट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ आरएच जो नेगेटिव है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं आरएच नेगेटिव वाले को ही, कि आरएच नेगेटिव ब्लड ओनली ट्रांसफ्यूज हो सकता है आरएच नेगेटिव वालों को और आरएच पॉजिटिव ट्रांसफ्यूज हो सकता है आरएच पॉजिटिव वालों को। ये एक जनरल यूनिवर्सल बात है कि जो ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव को ही जाएगा, जो बी है वो बी पॉजिटिव को जाएगा, ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव वालों को ही जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से आपस में नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, इनमें एक कंडीशन है, क्या हो सकता है कि जो आरएच नेगेटिव है वो आरएच पॉजिटिव वालों को लग सकता है। क्यों लग सकता है, कौन सी कंडीशन है, सिर्फ उसी सूरत में लग सकता है कि अगर आरएच नेगेटिव को पहले कोई किसी भी एंटीबॉडी से एंटीजन से एक्सपोज्ड ये ना हुआ हो, एक ही सूरत में आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव वाले को लग सकता है, उस सूरत में कि आरएच नेगेटिव पहले किसी भी एंटीबॉडी से एक्सपोज ना हुआ, क्योंकि अगर वो एक्सपोज हुआ होगा तो वो आरएच पॉजिटिव में जाके एंटीबॉडीज़ बनाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, क्लंपिंग ऑफ सेल्स हो जाएगी, एग्लूटिनेशन होगी और क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी तरह आरएच नेगेटिव वालों को जाएगा, आरएच पॉजिटिव वालों को जाएगा। इस तरह एक कंडीशन में आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव को जा सकता है और वो कंडीशन ये है कि आरएच नेगेटिव कभी भी किसी लाइफ में कभी भी किसी भी एंटीबॉडी से एक्सपोज ना हुआ हो। दूसरी बात ये कि जो हम आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव को कर रहे हैं ये वंस इन अ लाइफ की लाइफ में सिर्फ एक ही दफ़ा ये ट्रांसफ्यूजन हो सकती है। तो दिस ऑल अबाउट ऑफ आरएच फैक्टर एंड आरएच ट्रांसफ्यूजन के पॉजिटिव ब्लड सिर्फ हमेशा पॉजिटिव को लगता है और नेगेटिव ब्लड हमेशा क्या लगता है, नेगेटिव को लगता है। आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव वालों को क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि आरएच पॉजिटिव में ये एबिलिटी होती है एंटीबॉडीज बनाने की, और अगर ये आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव में जाकर लग जाए तो वहाँ पर वो एंटीबॉडीज बनाएगी और एग्लूटिनेशन होंगी, क्लंपिंग ऑफ सेल होंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ होगा। इसीलिए सिर्फ आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव वाले को लग सकता है, वो भी सिर्फ एक ही सूरत में कि कभी आरएच नेगेटिव किसी भी एंटीजन या एंटीबॉडी से एक्सपोज्ड ना हुआ हो। तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर आरएच फैक्टर एंड ट्रांसमिशन ऑफ आरएच फैक्टर इन ब्लड ग्रुप सिस्टम।